प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना चौथा पाठ संज्ञा आज हमें उसके अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो अभ्यास प्रश्न करने से पहले हम क्यों ना इसे एक बार दोहरा लें अपने पाठ को। तो इसके अंदर सबसे पहले परिभाषा से ही हम शुरुआत करेंगे। संज्ञा की परिभाषा जो आपको आपने पहले पढ़ी है उसमें कोई बदलाव नहीं, आपको ये याद भी है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने भेद के बारे में आपको बताया था। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इनकी परिभाषाएं हमने आपको लिखवाई थी, आपने उसे याद कर लिया होगा। तो फिर से एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ परिभाषा। परीक्षा में संज्ञा के भेद पूछे जा सकते हैं, कितने भेद होते हैं संख्या बतानी हो, या कौन कौन से भेद होते हैं तो उनके आपको तीनों के नाम भी बताने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हम परिभाषा से, कि किसकी परिभाषा शुरुआत करते हैं। संज्ञा की जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जैसे कि कई बच्चों को लगता है कि अगर हम व्यक्तिवाचक कह रहे हैं तो इसमें केवल इंसानों के नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। स्थान का नाम तथा विशेष वस्तु का भी नाम उसमें शामिल है। जैसे उदाहरण की बात करें, आपका मित्र राहुल, आपकी सहेली सुनीता, वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के। आपका शहर वाराणसी, नदी में गंगा नदी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार का सबसे ऊंचा जो पर्वत है एवरेस्ट, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ, ये सभी हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। तो ये जो भ्रम है कि व्यक्तिवाचक केवल नाम, व्यक्तियों के नाम के लिए आप प्रयोग किया जाता, तो ये नहीं है। इसमें विशेष व्यक्ति भी आएगा, विशेष वस्तु भी आएगी, विशेष स्थान भी आएगा। अब हमारा दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें हमने कहा, जैसे हाथी घोड़ा, तो हाथी क्या है? जातिवाचक संपूर्ण। जब हम हाथी की बात करें तो संपूर्ण हाथी जाति के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जो गलती होती है, जैसे किसी खास घोड़े या हाथी का अगर हम नाम लेते हैं, जैसे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक, तो अगर हम चेतक बोल रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। इंद्र के हाथी का नाम है एरावत, तो अगर हम एरावत बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम हाथी बोलते हैं हाथी, तो संसार के सभी हाथी जाति के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह गाय, नदी, शहर, ये सब जातिवाचक संज्ञा, ये संपूर्ण जाति के लिए। जैसे नदी की बात करें तो उस नदी मतलब संसार की सभी नदियों के बारे में। अगर खास नदी यमुना के बारे में बात करें, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको अंतर पता चल गया, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा जो तीसरा भेद था किसका? संज्ञा का, तो वो है भाववाचक संज्ञा। इसमें जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति का हमें गुण बताए, दोष बताए,
अवस्था बताए। अब अवस्था जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं बताए या भाव बताए, वे सब भाववाचक संज्ञा के ही भाग होते। तो ठीक है, भाग तो ये था हमारा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे अपने अभ्यास प्रश्न। उससे पहले एक बार मैं आपको एक तालिका दोहरा देता हूँ, संज्ञा शब्द की तालिका, ताकि आपको ये जो भाव जो हमें हमने आपको जो संज्ञा के भेद बताए हैं वो सही ढंग से आपको पता चल जाए। तो मैं तालिका, ये बुक की ही तालिका है, हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण में ही दे रखी है, पेज 21 पे जो तालिका दे रखी है उसके बाद मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम अपने अभ्यास प्रश्न करें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें आएगा शिवाजी, ताजमहल, दिल्ली, भारत, लाल किला, यमुना, नर्मदा, मयंक, महात्मा गांधी। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दे रखे हैं तालिका में, हाथी, पुत्र, घोड़ा, शहर, पेड़, पर्वत, पुस्तक, लड़की, गाय। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं मिठास, अच्छाई, कायरता, सुंदरता, बचपन, कोमलता, मित्रता, बुराई, गर्मी आदि। तो ये थे हमारे भाववाचक के उदाहरण जो तालिका से मैंने आपको पढ़े। अब हम शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों का, जो बहुत आसान है। हमारा पहला प्रश्न है, आप इसे साथ साथ करते जाइएगा और आप इसे सीधे हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 5 पे, अपने हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है सीधा उस पे कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न है पहला, ये अभ्यास प्रश्न ही हम कर रहे हैं, पेज नंबर 22 है। मैं लिख देता हूं संज्ञा, शब्दों, संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित रेखांकित करो, मतलब नीचे लाइन खींचना है। रेखांकित मतलब रेखा लाइन के लिए कहा जाता है उसके नीचे। तो पहला वाक्य है हमारा, रामलाल शहर जा रहा था, जा रहा था। तो इसमें हमने संज्ञा शब्द, अब जब संज्ञा की बात की है तो इसमें तीनों संज्ञाओं की बात की। तो ये किसी खास संज्ञा की हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक की संज्ञा बोला। तो रामलाल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको भी रेखांकित हमें करना है। शहर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा है, तो है तो संज्ञा, हमें संज्ञा भेद नहीं पता है, जो जो संज्ञा है इस वाक्य में उनको रेखांकित करना है, नीचे लाइन खींचना। तो रामलाल भी संज्ञा है और शहर भी संज्ञा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, रामलाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम। शहर जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण शहर जाति के लिए इसका प्रयोग किया गया। दूसरा है बाकी मेरा, हमारा विद्यालय
से सभी बच्चे विद्यालय से सभी बच्चे चिड़िया घर देखने गए। चिड़ियाघर देखने ये था हमारा पहला वाक्य। हम कहेंगे दूसरा वाक्य हो गया देखने गए पूर्ण विराम। पहले वाक्य को ध्यान से देखिए। विद्यालय से सभी बच्चे चिड़ियाघर देखने गए, तो इसके अंदर से विद्यालय हमें पता है संज्ञा है। विद्यालय वो स्थान होता है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो संज्ञा शब्द की हमने पहचान कर ली है, इसको रेखांकित कर दिया है, नीचे लाइन हमने खींच दी या फिर ऐसे नीचे रेखांकित कर दिया। विद्यालय के सभी बच्चे, जो बच्चे हैं ये भी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, सभी बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। चिड़ियाघर भी स्थान, ये भी संज्ञा ही है। देखने गए ये तो क्रिया, तो इस दूसरे वाक्य में हमने क्या देखा कि विद्यालय बच्चे और चिड़ियाघर ये तीनों संज्ञा थे, हमने इनके नीचे रेखा दी। तीसरा है हमारा तीसरा वाक्य है पर्वत। पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई देखकर पर्वत की ऊंचाई देखकर देखकर भी वह नहीं डरा, वह नहीं डरा। तो ये वाक्य है, पहले वाक्य को एक बार पढ़ लेते हैं। पर्वत की ऊंचाई देखकर भी वह नहीं डरा, तो इसके अंदर पर्वत क्या है, संज्ञा है पर्वत। तो जानकारी के लिए अगर पूछा जाए कि संज्ञा का कौन सा भेद है, तो ये जातिवाचक पर्वत, जब किसी खास पर्वत का नाम नहीं दिया गया है तो ये पूरी पर्वत जाति के लिए ही है, तो पर्वत संज्ञा है हमारा। यहाँ पे प्रश्न में हमें केवल संज्ञा को ही पहचानना है और पहचान करके नीचे रेखा खींचनी है, तो पर्वत हो गया संज्ञा। ऊंचाई जो है ये भी है भाववाचक संज्ञा के अंदर, ऊंचाई लंबाई अवस्था ये भी हमारा संज्ञा है। और देखकर भी वह नहीं डरा, जो डरा है वो भाववाचक संज्ञा में आता, तो इसमें भी हमें तीन संज्ञा शब्द मिले, कौन कौन से, पर्वत ऊंचाई और डरा, ये तीन संज्ञा है। तो एक बार हमारा पहला प्रश्न फिर से देख लेते हैं, और खासकर आपको इसे नोट कर लेना है, बच्चों के पास अब व्याकरण की पुस्तक आ चुकी है, तो एक बार फिर से इसको मैं अपना पहला प्रश्न दोहरा देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर सको। रामलाल शहर जा रहा था, तो रामलाल संज्ञा शब्द है और शहर, पहले वाक्य में रामलाल और शहर संज्ञा शब्द है और हमने इसे रेखांकित किया है। दूसरा है
विद्यालय से सभी बच्चे चिड़ियाघर देखने गए। तो इसमें विद्यालय संज्ञा शब्द है, बच्चे संज्ञा शब्द है और चिड़ियाघर संज्ञा शब्द है। ये तीनों को हमने रेखांकित किया। अब तीसरा हमारा है, पर्वत की ऊंचाई देखकर भी वह नहीं डरा। पर्वत, पर्वत क्या है? संज्ञा है, ऊंचाई भी संज्ञा है और डरा ये भी भाववाचक संज्ञा है। ये तीनों को हमने रेखांकित कर दिया। अब चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न बड़ा आसान है। नीचे वर्ग में कुछ शब्द मिल गए हैं, उन्हें छाट कर अलग अलग करो। एक बड़ा सा वर्ग तो नहीं बना है, हम कहेंगे बड़ा सा कटोरा बना है, उसमें सभी संज्ञा शब्द मिल गए हैं। सभी संज्ञा कौन कौन से? अरे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनकी पहचान करके, इनको छाट करके लिखना। ये हमारा दूसरा प्रश्न, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीचे वर्ग, वर्ग ने कटोरा बना है लेकिन मैं लिख देता हूं प्रश्न वही है। नीचे वर्ग में कुछ शब्द, कुछ शब्द मिल गए हैं, उन्हें छांट कर अलग अलग और दिए गए हैं शब्द दे रखे हैं। पहले है शब्द है चावल, ईमानदारी, नगर, सूरज, दिल्ली, बचपन, ताजमहल, आलस, सुंदरता, फूल, गंगा, उपवन, किताब, कानपुर, भारत,
बंदर मित्रता विद्यालय राधा मिठास ऊंचाई रमेश उड़ गया। तो ये थे शब्द, और जैसा कि आपको पता है इस मटके में ये आपस में मिल गए हैं, हमें क्या कर रहे हैं उनको छांट के अलग अलग लिखना है। संज्ञा के कितने भेद हैं, तीनों प्रकार की संज्ञा जो है, जो कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक भाववाचक संज्ञा, ये तीनों आपस में मिले हुए। तो हम जो पहले तालिका बनाएंगे, जैसा कि ये बना हुआ है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर का कौन आएगा उसको लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा। तो एक एक करके हम तालिका बना करके लिखेंगे। तो ये छांट करके लिखना है, तो शुरुआत करते हैं। व्यक्तिवाचक दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, तो एक एक करके हम शुरुआत करेंगे, एक एक शब्द लेंगे और उसको देखेंगे कि किसको किसके किस सूची के नीचे लिखना है। व्यक्तिवाचक एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, व्यक्तिवाचक होता है विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, और जातिवाचक से जिससे संपूर्ण जाति का हमें पता चलता है। भाववाचक जो गुण दोष अवस्था भाव को दर्शाता है, जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण दोष अवस्था भाव को दर्शाता है या वो दिखाता है उसे भाववाचक कहते हैं। तो हम हर शब्द को एक एक करके लेते हैं और उसके नीचे लिखेंगे। हमारा जैसे पहला शब्द है चावल है, चावल है जातिवाचक, कारण चावल क्यों किसी खास ने संपूर्ण चावल जाति की बात की, किसी खास ने संपूर्ण चावल जाति का इससे बोध होता है। ये हमारा पहला शब्द था। उसके बाद ईमानदारी दूसरा शब्द है, वो भाव होता है ईमानदारी, ईमानदारी ये भाववाचक संज्ञा होता है, इसीलिए हमने इसको भाववाचक संज्ञा के नीचे लिखा है। तीसरा है नगर, नगर जो है वह जाति, नगर शहर गांव देश ये सभी जातिवाचक संज्ञा है के उदाहरण, संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो नगर भी हम
जातिवाचक के लिए नीचे लिखेंगे नगर। अगला है सूरज। सूरज क्या है? सूरज है व्यक्तिवाचक, खास हम कहेंगे ये सूरज एक तारा है, किसी खास तारे का नाम है, विशेष तारे का नाम है, या सूरज किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही लिखेंगे। तो डाला हमने सूरज। अगला है दिल्ली। दिल्ली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास शहर है, तो इसको भी हम दिल्ली। अगला है शब्द बचपन, ये भाववाचक, मैंने अवस्था के बारे में आपको बताया था, तो बचपन जो है वह है भाववाचक संज्ञा के बाद अंतर्गत आएगा बचपन। अवस्था होती है तो अगला है ताजमहल, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, खास इमारत है ताज महल। फिर है आलस्य, ये भाव है, आलस्य भाव आ चुके हैं, आलस्य ये भाववाचक संज्ञा बनेगा। सुंदरता ये भी भाववाचक है, सुंदरता। फूल ये जातिवाचक है, क्यों किसी खास फूल का नाम नहीं लिया गया है, फूल सभी फूलों के लिए, तो ये जातिवाचक। आते हैं गंगा। गंगा है व्यक्तिवाचक, नदी का नाम है, खास नदी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उपवन जातिवाचक, हम कहेंगे उपवन जातिवाचक में, उपवन अर्थ बगीचा ही होता है। किताब, और किसी खास किताब का तो नहीं है, तो ये भी आएगा जातिवाचक। किताब। कानपुर, कानपुर है व्यक्तिवाचक, जगह का नाम है, शहर का नाम है, कानपुर। भारत, भारत भी व्यक्तिवाचक है, देश का नाम, हमारे देश का नाम है भारत। बंदर, बंदर है जातिवाचक, बंदर, किसी खास बंदर की बात नहीं की गई, संपूर्ण बंदर जाति की बात की गई। मित्रता भाव, मित्रता आ गई, मित्रता, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। विद्यालय, विद्यालय हो गया जातिवाचक से। तो विद्यालय, विद्यालय हो गया जातिवाचक। उसके बाद राधा नाम है तो व्यक्ति, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिठास भाववाचक है, मिठास। उसके बाद में ऊंचाई भी भाववाचक है, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। और रमेश नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक।
तो हमने दूसरे प्रश्न में इसको छांट के लिखा और आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों तीसरा जो प्रश्न है वो हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। आपका ग्रे कार्य से अच्छी राइटिंग में पेंसिल से अपने हिंदी व्याकरण दीपिका पे लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।